सोमवार को किसानों और सरकार के बीच वार्ता के दौरान वो गर्मजोशी नहीं देखने को मिली जो सातवें राउंड की बातचीत के दौरान देखने को मिली थी। 4 जनवरी को किसानों के प्रदर्शन का 39वां दिन रहा। सोमवार को सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 8वें राउंड की लंबी बातचीत हुई। कुछ घंटों की बातचीत के बाद जब दोपहर का भोजन करने का वक्त आया तो दोनों पक्षों के बीच हल्की सी तल्खी दिखी। सूत्रों के अनुसार इस बार किसानों ने सरकार के मंत्रियों के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, जबकि 7वें राउंड की बातचीत के दौरान जब लंच ब्रेक का वक्त हुआ था तो किसानों के संग वार्ता में शामिल रेल मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह भी लाइन में लगकर लंगर का खाना खाया था। इसे सकारात्मक पहल के रूप में देखा गया था। सूत्रों का कहना है कि सोमवार की बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री सोम प्रकाश से कहा कि हम आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, आज आप अपना खाना खाइए और हम अपना खाना खाएंगे। बैठक के पहले ही दौर में किसान संगठनों ने सरकार के मंत्रियों से साफ कहा, आप हमें ये बताएं कि 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस देगी या नहीं। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम 3 कानूनों के संशोधन के लिए तैयार हैं। इसी बहस के बीच लंच ब्रेक हो गया। बैठक के बाद भी कृषि मंत्री काफी आश्वस्त दिखाई दिए। आज किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही, थोड़ा बहुत बात MSP पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया, लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। वहीं सोमवार को बहस से पहले पिछले 39 दिनों से आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई।